हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ चेंजेस बताने वाला हूं कि जो हाई कोर्ट में आज दिनांक 6 अप्रैल 2021 से जो चेंजेस होने वाली हैं वो क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जैसे कि आप जैसे ही आज की काउंस लिस्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड पेज में आप नोटिस ध्यान देखेंगे। नोटिस में लिखा हुआ है, एज डायरेक्टेड काइंडली टेक नोटिस दैट इन व्यू ऑफ फ्रेश गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट डेटेड 3/4/2021 एंड इन कंसिडरेशन ऑफ रिसेंट स्पाइक इन द केसेज ऑफ कोरोना पॉजिटिव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बिन प्लेस टू डिसाइड दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट शैल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली थ्रू वर्चुअल मोड फ्रॉम 6/4/21 to 17/4/21। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार और राज्य सरकार का जो 3 अप्रैल 2021 का जो गाइडलाइन जारी हुआ था, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कोरोना केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप जो है अब हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मोड से ही हियरिंग करवाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मोड से ही हियरिंग होगी, जो भी फिजिकल मोड से होती थी वो नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि फिजिकल जो मोड जिसमें हम कोर्ट जाकर बहस करते थे, अब कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, अब घर में बैठे बैठे ही घर में केस की सुनवाई करानी होगी। ठीक है, ये कब से कब तक लागू है, ये 6/4 यानी कि आज 6 अप्रैल 2021 से 17 अप्रैल 2021 तक ये लागू रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ नोटिस में एक चीज़ और लिखा है कि जो नोटिस नंबर 3 यानी कि March/21, फिर नोटिस नंबर 4 March/21, ठीक है, और नोटिस नंबर 6 यानी कि नोटिस नंबर 3, ठीक है, और 4, और ये 6 जो नोटिस है जो इशू हुआ था पहले, ठीक है, 5/4/2021 के काउज लिस्ट में, वो अभी ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। ठीक है, उसको अभी अगले ऑर्डर तक ठंडे बस्ते में रखा गया है, उसको अगले ऑर्डर के बाद ही देखेंगे। आखिर ये नोटिस नंबर 3, 4 और 6 क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नोटिस में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि हाईकोर्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त मिलेगी जिनके पास ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा। कहने का मतलब, ठीक है, जो जिनका वो एक्चुअल में काम होगा, जो ऑथोराइज पर्सन होंगे वही सिर्फ हाईकोर्ट जाएंगे, अदरवाइज कोई जनरल आदमी हाईकोर्ट अभी नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि नोटिस नंबर 3, 4 और 6 क्या है जिसको कोर्ट जो है वो कह रहा है कि वो अभी निरस्त कर दिया गया, ठंडे बस्ते में रखा गया है, 3, 4 और 6। चलिए नोटिस नंबर 3 को जानते हैं। नोटिस नंबर 3 में ये लिखा गया था कि 12 अप्रैल 2021 से कोर्ट फी का जो पेमेंट है वो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि पहले जो ऑनलाइन फाइलिंग करते थे हम लोग तो कोर्ट फी नहीं जमा करते थे, सिर्फ हम लोग ऑनलाइन फाइलिंग कर देते थे और कोर्ट फी हम लोग बाद में देने के लिए अंडरटेकिंग लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें कोर्ट 5 तारीख के नोटिस में आया था कि 12 अप्रैल से कोर्ट फी देना होगा, तो इसी को कहा गया है कि ये जो 3 मार्च 2021 का ये जो नोटिस है इसको अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है। कहने का मतलब इस पर अभी सोच विचार नहीं करा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल है, चूँकि ये तो अभी इसका कुछ काम नहीं है अभी, आपको ये तो अभी अबेंस रखा गया है, ठंडे बस्ते में रखा गया है, इसको अभी ज़रूरत नहीं है। जान लेते हैं नोटिस नंबर 4 क्या है, 4 को क्या कह रहे हैं। 4 में ये लिखा गया था कि जितने भी पेंडिंग केसेस थे, ठीक है, जो भी पेंडिंग केसेस थे, ठीक है, अप्रैल मई और जून 2020 में जो फाइल किया गया है, समझ में आ रहा है, अप्रैल मई और जून 2020 यानी पिछले साल जो भी केसेस फाइल हुए थे ऑनलाइन के ज़रिए, उसका कोर्ट फी जमा कराना बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट फी जमा कराने के साथ साथ हार्ड कॉपी भी जमा कराना होगा, कहाँ पे, सेक्शन ऑफिसर के पास या ऑथराइज पर्सन के पास जमा करना होगा, पेंडिंग केसेस हो या फिर डिस्पोज्ड केसेस हो, दोनों केसेस को के जो ओरिजिनल कॉपी होता है जो कोर्ट को दिया जाता है, हार्ड कॉपी जो कि नहीं जमा कराया गया था और कोर्ट फी नहीं जमा कराया गया था, उसको कहा गया था कि वो जमा करा दिया जाना चाहिए 3 महीने का, अप्रैल मई और जून का। तो इसका डेट कब से कब तक जमा करने का कहा गया था, ये 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में 3 महीने का जो भी ओरिजिनल कॉपी था, हार्ड कॉपी जो था, वो कोर्ट ने मांगा था कि आप इसे जमा कीजिए। तो चूँकि ये अब ये नोटिस नंबर 4 जो ये है ये अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है, तो इसका मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझिए कि कुछ दिन टाइम मिल गया है, ये अगले ऑर्डर तक देखिए, अगला ऑर्डर कब आता है, आखिर आपको जमा तो करना नहीं होगा हार्ड कॉपी कोर्ट में,
तो कब जमा कराना है हार्ड कॉपी, ये अगला ऑर्डर में आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये घबराए नहीं कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है जमा कराने का। ठीक है, क्योंकि 17 अप्रैल तक तो कोर्ट जो है वर्चुअल मोड ही चलने वाला है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इसके साथ साथ नोटिस नंबर 6 को भी कहा गया है कि ये भी अभी ठंडे बस्ते में रखा गया है। नोटिस नंबर 6 में क्या था, इस पर मैं पिछले वीडियो में यही बताया था कि हाइब्रिड मोड से सुनवाई होगी। जी हाँ, हाइब्रिड मोड मतलब फिजिकल और वर्चुअल दोनों चलेगा। फिजिकल मोड चलेगा लंच आवर के पहले और वर्चुअल चलने वाला था लंच के बाद। ठीक है, लंच के बाद चलने वाला था। चूँकि इस मोड में ये निर्णय लिया गया था कि 50 केस जो क्रिमिनल केसेस सुनवाई होगा वो फिजिकल मोड से होगा और बाकी केसेस जो होंगे वर्चुअल मोड से होंगे। ठीक है, उसी तरह से सिविल केसेस में भी था कि 35 केस फिजिकल मोड से होता और लंच के बाद 35 केसेस वर्चुअल से होने वाले थे। चूँकि ये नोटिस नंबर 6 जो है ये भी ठंडे बस्ते में रखा गया है, तो कहने का मतलब हो सकता है इसमें बदलाव कर दिया जाए। बदलाव हो सकता नहीं, एक्चुअली हो चुका है, क्योंकि फिजिकल मोड जो है ये ख़त्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मोड से ही 50 केसेस की सुनवाई होगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, 50 केसेस जो लिस्ट में चढ़े थे 50 केसेस की सुनवाई की जाएगी। अब वर्चुअल हो रही है तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 50 केस ना होकर के 40 ही हो पाए, 30 ही हो पाए, ये दिक्कत तो आ सकती है। ये क्लाइंट लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। तो ये जो 3 नोटिस मैंने आपको बताया है ये जो है अभी ठंडे बस्ते में रखा गया। कहने का मतलब एक जो नोटिस था सबसे पहले वाला जिसमें मैं बताया कि कोर्ट फी जमा कराना था, दूसरा नोटिस था जिसमें कोर्ट ने मांगा था कि आपने जो ऑनलाइन फाइलिंग कराया है जितने भी डॉक्यूमेंट सबका आप हार्ड कॉपी जमा कीजिए, जिसका 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टाइम दिया था उसको ठंडे बस्ते में रखा गया। उसके साथ साथ ये नोटिस नंबर 6 जिसमें कहा गया था कि हाइब्रिड मोड से सुनवाई होगा, मतलब फिजिकल भी होगा वर्चुअल भी होगा। तो हालांकि अब कोविड की वजह से फिजिकल मोड को निरस्त कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मोड से सुनवाई होगी। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक भी अपडेट ना मिस हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन जो लिखेंगे आप बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन लिखें, कई बार मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम होती है मुझे क्वेश्चन समझने में, तो आप क्वेश्चन को क्लियर लिखें कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। और हाँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम भी है, आप पर्सनल मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक देख लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।